हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इस पाउच में मेरे सारे इयररिंग्स जो मैंने इकट्ठा किए, ये वाले मेरे सबसे फेवरेट इयररिंग्स हैं। बहुत ही अच्छे मल्टी कलर के हैं, इसलिए ये भी बहुत सुंदर है। ये कौन सा भी एथनिक, मेरे सारे इयररिंग्स आज जो मैं दिखा रही वो एथनिक है। सिर्फ एक ही मेरे पास जीन्स पर और वेस्टर्न टॉप पर पहनने वाला है। ये भी बहुत क्यूट है, इसको आप कुर्ती पर पहन लो, बहुत ही अच्छा लगता है। आगे वाला है उसके मैचिंग का है, लेकिन इसके ऊपर की जो डिज़ाइन है वो थोड़ी सी अलग है, लेकिन ये भी मेरे को बहुत अच्छा लगता है। इसका कलर भी बहुत प्रीटी है। सारे भी एथनिक वियर के साथ चला जाता है और छोटू सा ही है, इसलिए कुछ प्रॉब्लम भी नहीं होती है पहनना। सी गाइस, ये बहुत ही हैवी इयररिंग्स हैं, लेकिन अच्छे हैं, इस वजह से अच्छे लगते हैं। ये देखो, ये मेरे को सबसे प्रीटी लगता है। ये पहनने भी बहुत लाइट वेटेड है और बहुत ही अच्छा लगता है, और ऑक्सफोर्ड ऐसा है इसलिए तो। और ये देखो, ये डायमंड का है, ये मेरी रोज़ गोल्ड के सेट था उसके साथ आए थे ये इयररिंग्स, लेकिन मेरे को अच्छे लग रहे थे, मैं इसको ऐसे ही पहनती हूँ। ये देखो, ये मैंने मेरे कज़िन की वेडिंग थी तब मैंने ये इयररिंग्स लिए थे मेरे को लहंगे पे पहनने के लिए। ये बहुत ही अच्छे और बहुत ही प्रीटी और बहुत ही हैवी लुक देता है। और ये ऑक्सोडाइज कहीं पे भी चला जाएगा, कहीं पे भी, कौन से भी, कोई भी फंक्शन हो पहन लो। ये मैं भी यूज़ करती हूँ और मेरी मम्मी भी यूज़ करती है। और ये देखो, ये मैंने मेरे भाई की हल्दी में पहने थे, बहुत ही सुंदर है। ये भी मल्टी कलर के है इसलिए अच्छे दिखते हैं और वेट भी कम है। और ये मेरे को सेट पूरा पड़ा था, इयररिंग्स और मांग टिक्का, ये तीन का सेट आता है। ये भी अच्छा है, इसका कलर मेरे को बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्रीटी लगता है, लेकिन थोड़ा सा हैवी है पहनने में भी। और ये जींस के साथ पहनने के लिए रिंग्स है, ये बहुत अच्छी है, लेकिन इसको फिट करने में बहुत दिक्कत आती है।